संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जोरदार हंगामा बरपा। जहां उच्च सदन में विपक्ष और सरकार के बीच रफाल को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, तो वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ी। नेताओं के विरोध को देखते हुए दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने में महज 10 दिन बचे हैं, लेकिन हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज की तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक नेताओं के विरोध का शोर है। पहली तस्वीर लोकसभा की है, जहां कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने रफाल का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर घोटाले करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त संसदीय समिति की मांग की है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ दूसरे दलों ने भी अपने अपने मुद्दे उठाए। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं अन्ना द्रमुक ने भी कावेरी जल विवाद का मुद्दा उठाया। इन्हीं मुद्दों के शोर की वजह से कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं आज राज्यसभा की कार्यवाही तो शुरू होते ही स्थगित हो गयी, वहाँ भी इन्हीं मुद्दों का शोर सुनाई दिया। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, तमिलनाडु में कावेरी बांध के निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही उच्च सदन में हंगामे की वजह से लगातार गतिरोध बना हुआ है। प्रश्नकाल और शून्यकाल भी सुचारू रूप से नहीं चल पाए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस सत्र में 3 तलाक की अग्नि परीक्षा को पास कर पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।